दुनिया जान चुकी है कि कोरोना आखिर कितना खतरनाक है, फिर भी कोताही बरती जा रही है। ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया। दुनिया का ये मशहूर सबसे बड़ा क्रूज शिप है, लेकिन ये इन दिनों पर्यटन नहीं बल्कि कोरोना विस्फोट को लेकर चर्चा में है। बताया जाता है कि करीब 6000 यात्रियों में से 48 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद रॉयल कैरेबियन के सिम्फनी ऑफ द सीज पर जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। पॉजिटिव आए सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है, वहीं अन्य लोगों की जाँच शुरू कर दी गयी है। आपको बता दें कि सिम्फनी ऑफ डी सी अमेरिकी कंपनी रॉयल कैरेबियन ग्रुप की क्रूज शिप है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप माना जाता है, जिस पर हर साल हजारों यात्री सफर करते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।